हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स अगस्त फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि डिजिटल गैप इन एजुकेशन। अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। किसके ऊपर? डिजिटल गैप इन एजुकेशन। डिजिटल गैप का मतलब क्या है कि डिजिटल डिवाइड, मतलब कि स्टूडेंट्स के दो टाइप हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के जिसके पास सभी फैसिलिटीज़ है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन उसके कंटेंट को वो कैरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास फ़ोन ही अवेलेबल नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन ही अवेलेबल नहीं है, जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो वो किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को कैरी आउट करें। तो यहाँ पर भारत के अंदर दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं कि एक स्टूडेंट कि जहाँ जिसके पास सभी फैसिलिटी है, और एक स्टूडेंट कि जिसके पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, जिसको बोला जाता है डिजिटल गैप इन एजुकेशन। तो उसके ऊपर अभी रिपोर्ट लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बताया है कि भारत के अंदर लेस देन 10% ऑफ द स्कूल्स के पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं। मतलब अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो डिजिटल टूल्स अवेलेबल है लेस देन 10% स्कूल के पास। बराबर ना? मतलब स्कूल्स के अंदर ही इतनी फैसिलिटी नहीं होगी तो फिर स्टूडेंट्स के पास कैसी होगी ऐसे एरिया के अंदर। बराबर, तो इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ऐसा रिपोर्ट के अंदर बोला जा रहा है कि लेस देन 10% ऑफ द स्कूल के पास इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या होते हैं? तो ये जो टूल्स है वो यूज़ किए जाते हैं टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। कवर एवरीथिंग फ्रॉम द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एटसेट्रा, टू द सॉफ्टवेयर टूल्स सच एज गूगल मीट, गूगल स्प्रेडशीट। बराबर ना? तो ये सब चीज़ें ICT टूल्स के अंदर आती है, और ये सब चीज़ें लेस देन 10% ऑफ स्कूल के अंदर हैं जो डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं। राइट, ओके। अगर मैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है रिफर टू द कन्वर्जेंस ऑफ द मीडिया टेक्नोलॉजी सच एज ऑडियो विजुअल एंड टेलीफोन नेटवर्क विद द कंप्यूटर नेटवर्क, राइट, बाई द मीन्स ऑफ द यूनिफाइड सिस्टम ऑफ केबलिंग। राइट, तो अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो मीडिया टेक्नोलॉजी आती है कि मतलब जो हम दो फ़ोन के बीच में जो बात कर पाते हैं, राइट, फिर हम लैपटॉप के ऊपर से जो वीडियो कॉलिंग, मोबाइल के ऊपर से जो वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं, ये सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स के अंदर ही आती है। राइट, तो अगर यही चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन कैसे पॉसिबल होगा? राइट, ओके ओके अभी मैं डिजिटल गैप की बात करूं तो डिजिटल गैप क्या होता है कि इट इज़ अ गैप बिटवीन द डेमोग्राफिक्स इन रीजन्स हैविंग एक्सेस टू द मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज नॉट हैविंग द एक्सेस। मतलब एक ऐसा रीजन, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन जिन लोगों के पास उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका एक्सेस नहीं है, तो ये दोनों बीच ग्रुप के बीच में जो गैप है उसको डिजिटल गैप बोला जाता है। राइट, तो इट एग्जिस्ट बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, यंग एंड एजुकेटेड वर्सेज ओल्डर एंड लेस एजुकेटेड। राइट, इंडिविजुअल्स एंड मैन एंड वुमेन, इस सभी के बीच में डिजिटल गैप होता है। इन इंडिया द अर्बन रूरल डिवाइड इज अ सिंगल बिगेस्ट फैक्टर इन द डिजिटल गैप। इंडिया के अंदर जो अर्बन रूरल डिवाइड है ना, वही सबसे बड़ा फैक्टर है डिजिटल गैप के अंदर। बराबर, ओके। अगर मैं डिजिटल गैप के स्टेटस की बात करूँ तो इंडिया के अंदर इसका स्टेटस कैसा है अभी? 2021 के अंदर एक स्टडी कैरी आउट की गई थी, किसके द्वारा? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा। वो स्टडी क्या बता रही थी कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया कैन नॉट एक्सेस द ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। बराबर ना? कि इंडिया के अंदर 60% बस स्कूल स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो टूल्स वगैरह चाहिए वो एक्सेस ही नहीं कर पाती। अ स्टडी बाई द ऑक्सफर्म इंडिया, उसने क्या बताया कि इवन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द अर्बन प्राइवेट स्कूल्स हाफ ऑफ द पेरेंट्स रिपोर्टेड इश्यूज विथ द इंटरनेट सिग्नल एंड स्पीड, अ थर्ड स्ट्रगल विथ द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल डेटा। बराबर ना? यस, कि अगर जिसके पास चलो है सभी फैसिलिटीज़ लेकिन वहाँ पे इंटरनेट सिग्नल नहीं आता, नेटवर्क नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम है। ओके,
तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये डिजिटल गैप आने से इम्पैक्ट क्या होता है? तो सबसे पहला इम्पैक्ट है कि वो ड्रॉपआउट्स स्कूल में से लोग एडमिशन उठा लेंगे, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन कैसा था कि ऑफलाइन तो लोग जा नहीं पाते थे, ऑनलाइन के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग स्कूल में से एडमिशन नहीं, अपना बीटो करवा लेंगे, ड्रॉप आउट्स और चाइल्ड लेबर का केस बढ़ेगा, राइट? तो ये एक इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है, डेप्रीवेशन ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, कि क्वालिटी एजुकेशन का डेप्रीवेशन, मतलब एक स्टूडेंट का ऐसा वर्ग, ऐसा एक वर्ग ऐसा है कि जिसके पास सभी फैसिलिटी है तो उसको क्वालिटी एजुकेशन अच्छी तरीके से मिल रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट का वर्ग ऐसा है कि जिसके पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं है तो उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, वो डिप्राइव हो जा रहा है, राइट? फिर अनफेयर कॉम्पिटिटिव एज, कि एक ही एग्ज़ाम के लिए, फॉर एग्जांपल आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, राइट? आप एक ही एग्ज़ाम के लिए एक दो ऐसे स्टूडेंट के, एक के पास सभी फैसिलिटी है दूसरे के पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, तो उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव तो नहीं, कॉम्पिटिशन तो नहीं रहेगा ना, वो अनफेयर कॉम्पिटिशन रहेगा, राइट? फिर लर्निंग डिस्पेरिटी, राइट? तो ये सब इम्पैक्ट है जो डिजिटल गैप के, जो एजुकेशन के अंदर जो डिजिटल गैप आता है ये उसके इम्पैक्ट्स है, राइट? आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिपोर्ट कैरी आउट किया गया था, ओके? चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, राइट? अभी इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अभी न्यूज़ रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है कि हमारा जो एक मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने अभी इश्यू किया है ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 को किस तरीके से देश में इम्प्लीमेंट करवानी है उसके लिए एक गाइडलाइन लॉन्च की गई है, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, राइट? ये स्कीम अगर इम्प्लीमेंट होगी ना तो वो प्रमोट करेगी आधार सीडिंग ऑफ द बेनिफिशरीज टू इंश्योर लास्ट माइल ट्रैकिंग ऑफ द टेक होम रेशंस एंड ट्रैकिंग ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। आपको अभी ये लाइन समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब पूरी न्यूज़ पता चल जाएगी तब तो आपको ये लाइन के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, ओके फ्रेंड्स? अभी ये सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रक्चर किया है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को एंड पोषण, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर द होलिस्टिक नरिशमेंट। कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 मतलब जो लास्ट ईयर, दो स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, एक तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, हमने बहुत बार उसके बारे में पढ़ा है, और पोषण, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर अचीव स्कीम फॉर द होलिस्टिक नरिशमेंट, ये पोषण अभियान, ये दोनों को रिस्ट्रक्चर किया गया है इनटू सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ये दो पहले डिफरेंट स्कीम थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड प्राइम मिनिस्टर ओवर अचीव स्कीम फॉर द होलिस्टिक नरिशमेंट, उसको मर्ज करके सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, राइट? तो ये रिस्ट्रक्चर स्कीम के अंदर कौन कौन सी सब स्कीम है उसके बारे में देखते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पोषण अभियान स्कीम फॉर द एडल्ट एंड गर्ल्स और नेशनल क्रैची स्कीम, ये चार स्कीम को कंबाइन करके ये सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 लॉन्च किया गया है लास्ट ईयर, राइट? पोषण 2.0 इज एन ऑन गोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बींग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन द कॉस्ट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पोषण 2.0 है ना, ये वो सेंट्रल सेट स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो जितना भी कैप खर्चा होता है वो आपस में कंट्रीब्यूट करके ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करवा रही है, पोषण 2.0, राइट? अभी ये स्कीम का विज़न क्या है, जो हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये ऑपरेशनल गाइडलाइंस लॉन्च की गई है, तो ये स्कीम का विज़न क्या है पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इट सीक्स टू एड्रेस द चैलेंजिंग सिचुएशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स, एडल्ट एंड गर्ल्स 14 to 18 ईयर्स एंड प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो ये तीन जो वर्ग है, जो सबसे क्रिटिकल वर्ग है, चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ द 6 ईयर्स, एडल्ट एंड गर्ल्ड अप टू द एज ऑफ द 14 to 18 ईयर्स एंड प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, ये तीनों तीन क्लास को
न्यूट्रिशनल फूड मिले, उनके अंदर माल न्यूट्रिशन ना हो, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इट इज़ अ क्रूशियल फॉर द इंडियाज़ डेवलपमेंट एज अ वुमेन एंड चिल्ड्रन कंपनीज ओवर द 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो इंडिया का अगर डेवलपमेंट करना है तो वुमेन और चाइल्ड का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के 2/3 पीपल्स कौन है? वुमेन और चिल्ड्रंस, राइट। द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाइज एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस प्रोग्राम डिज़ाइन। बराबर ना, अगर हम इस स्कीम को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कि क्वालिटी एजुकेशन अच्छा होगा तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और ज़ीरो हंगर होगा अगर सभी मैन वुमेन चाइल्ड सभी को सही टाइम पे सही खाना मिल जाएगा, न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा, तो ज़ीरो हंगर होगा तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 अचीव होगा, राइट। ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ द माल न्यूट्रिशन द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम अंडर द आंगनवाड़ी सर्विसेज। स्कीम फॉर द एडल्ट्स एंड गर्ल्स एंड पोषण अभियान है बीन अलाइंड अंडर द पोषण 2.0 एज एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम, राइट। तो ये जो एडल्ट्स एंड गर्ल्स की जो स्कीम है और जो पोषण अभियान है वो पोषण 2.0 के अंदर इंटीग्रेट की गई है, राइट। और ये पोषण 2.0 के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एड्रेस द चैलेंज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, प्रमोट द न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड वेलबींग, और एड्रेस न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशंसीज थ्रू द की स्ट्रेटजीज, राइट। तो ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं पोषण 2.0 के। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर द पोषण थ्रू द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ द ग्रुप ऑफ द 6 months टू द 6 years, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ द 14 to 18 years इन द एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड अर्ली स्टिम्युलेशन फॉर द 0 to 3 years, आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द मॉडर्न अपग्रेडेड से सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण अभियान। देखो तो इस स्कीम के अंदर में कौन कौन से ग्रुप को कवर किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो 6 महीने से 6 साल तक के चिल्ड्रन को उनके माल न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। उसके अलावा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो गर्ल्स हैं, जो एडल्ट एंड गर्ल्स जो 14 to 18 साल की जो गर्ल्स हैं उनके माल न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो आंगनवाड़ी के अंदर जो चाइल्ड प्ले ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं, बराबर ना, शुरुआत में 0 से 3 साल के लिए और या तो फिर 3 से 6 साल के लिए, बराबर ना, तो यहाँ पे उनको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात चल रही है। और जो आंगनवाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्न बनाने की बात चल रही है। तो ये कॉम्पोनेंट्स है ये स्कीम के, बराबर ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूँ तो द स्कीम इज़ ओपन टू द ऑल एलिजिबल बेनिफिशरीज एंड द ओनली प्री कंडीशन इज दैट द बेनिफिशरी हैज़ टू बी रजिस्टर्ड एंड नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर विद द आधार आइडेंटिफिकेशन। अगर जो भी बेनिफिशरी वो अपने नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर के ऊपर उसने आधार आइडेंटिफिकेशन से रजिस्टर करवाया होगा वो सभी बेनिफिशरीज यहाँ पे स्कीम के अंडर में एलिजिबल रहेगा। द बेनिफिशरीज फॉर द स्कीम विल बी एडल्ट्स एंड गर्ल इन द एज ग्रुप ऑफ द 14 to 18 years हु विल बी आइडेंटिफाइड बाई द स्टेट कंसर्न, बराबर ना, जो स्टेट के द्वारा बताया जाएगा उन वही एडल्ट्स एंड गर्ल को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, राइट। फिर आयुष सेल प्रोपोगेट द कैंपेन्स ऑफ द योगा हेट होम, योगा विद द फैमिली एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड हाउस होल्ड्स टू इंकरेज द बेनिफिशरीज टू प्रैक्टिस अ योगा एंड स्टे हेल्दी, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ आई सेल एक्सटेंड द टेक्निकल सपोर्ट फॉर द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। ये पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बराबर ना। एफर्ट्स शैल बी मेड फॉर द 100% मेजरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बराबर, सभी चिल्ड्रन को यहाँ पे कवर किया जाए ऐसा एक एफर्ट रहेगा इस स्कीम का, राइट। ओके राइट, तो ये 5 कॉम्पोनेंट्स हैं ये मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनबाड़ी के, कि 2 लाख आंगनवाड़ीज टू बी अपग्रेडेड एज अ सक्षम आंगनवाड़ीज, आंगनवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप करने की बात चल रही है। न्यूट्रिशन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स टू बी इम्प्रूव, राइट। क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ द टेक होम राशन टू बी स्ट्रेंथन, कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो टेक होम राशन मिलता है, जो सस्ते दर के ऊपर जो राशन मिलता है उसकी क्वालिटी टेस्ट की जाएगी, बराबर, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने का जो मेकेनिज्म है वो स्ट्रेंथ मजबूत किया जाएगा।
फिर ट्रेडिशनल कम्युनिटी फूड हैबिट्स टू बी प्रमोटेड बराबर ना, एंड डिलीवरी ऑफ द फूड अंडर द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम टू बी ऑप्टिमाइज बराबर ना। तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में जो राइस मिलते हैं, जो वीट मिलता है, जो कोर्स मिलता है, तो उसकी क्वांटिटी कभी ख़त्म ना हो, मतलब कभी मतलब जिन लोगों को मिलनी चाहिए उनको सभी तक मिले, क्वांटिटी ख़त्म ना होती, इस तरीके से उसको सप्लाई किया जाएगा। ओके तो ये कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं उसके। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। ये अभी ये न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, तो क्या रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ टेबल्ड द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 इन द लोकसभा। द बिल प्रपोजेज टू अमेंड द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, जो लास्ट अमेंड किया गया था 2010 के अंदर, टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस सच एज incentivizing the use of the clean energy by issuing the carbon saving certificates, right? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लोकसभा के अंदर एक बिल पेश किया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। ये बिल कौन से एक्ट को रिप्लेस करने वाला है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को, और ये एक्ट कब लास्ट में अमेंड किया गया था, 2010 के अंदर। और ये जो बिल पेश किया गया है वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इंसेंटिवाइज कर रहा है यूज़ ऑफ द क्लीन एनर्जी बाय इश्यूइंग कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट, राइट। तो अभी ये न्यूज़, ये जो लाइन है वो क्या कह रही है उसके बारे में समझते हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, जो ये पुराना एक्ट है उसके प्रोविजंस क्या है, तो उसके अगर मैं एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स के बारे में बात करूँ, तो इम्पावर्स अ सेंटर to specify the norms and standard of the energy efficiency for the appliances, industrial equipment and buildings with a connected land over 100 kilowatts or a contractual demand of more than 15 kilowatt amperes, बराबर ना। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है वो सेंटर को पावर दे रहा है कि वो स्पेसिफाइड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करे एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, किन लोगों को, कंपनीज को, स्टेट गवर्नमेंट को, बिल्डिंग्स को, राइट। कि जब भी कोई नई कंपनी, जब भी कोई नई बिल्डिंग अगर एस्टेब्लिश होती है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पहले से ही एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है कि भाई आपको इतना ही एनर्जी कंज्यूम करना है, राइट। तो ये कौन से एक्ट के अंडर में होता है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर में। और ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर में एक संस्था बनाई गई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, राइट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अभी ये संस्था क्या काम करती है वो देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी ट्रेडिंग का, तो गवर्नमेंट कैन इश्यू द एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कंज्यूम्सन लेस देन देयर मैक्सिमम अलॉटेड एनर्जी। However, this certificate can be sold to the customer who consumed the higher than their maximum allowed energy threshold, providing for the framework for the energy trading. ये Energy Conservation Act 2001 के अंडर में अभी तक क्या था कि दो टाइप की संस्था होती है, बराबर ना, कि एक संस्था जो है कि जिसको फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला गया था कि आपको एक साल में 10 मेगावाट कंज्यूम करना है, एक संस्था ए है, और एक संस्था बी है जिसको भी ऐसा बोला गया था कि भी आपको एक साल में कितना कंज्यूम करना है, 10 मेगावाट। लेकिन एक संस्था ए है जिसने 10 मेगावाट की जगह 8 मेगावाट को कंज्यूम किया एनर्जी, और ये संस्था बी है जिसने 10 मेगावाट की जगह 12 मेगावाट को कंज्यूम किया है, मतलब इसने अपने अलॉटेड एनर्जी से कम कंज्यूम किया है, इसने अपने अलॉटेड एनर्जी से ज़्यादा कंज्यूम किया है, राइट। तो एक तो रास्ता क्या है कि भाई ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ना, ये इसके ऊपर चार्ज लगाएगी, इसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। तो अगर इसको पेनल्टी नहीं भरना है तो एक और रास्ता है क्या, कि ये जो एक संस्था ए है वो उसने अलोटेड एनर्जी से कम कंज्यूम किया है, तो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ये संस्था ए को एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। कौन सा सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। और ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट कितना मेगावाट का होगा, 2 मेगावाट का, क्योंकि उसने 2 मेगावाट कम कंज्यूम किया है ना। तो ये अपना एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट 2 मेगावाट का, जिसने भी 2 मेगावाट ज़्यादा कंज्यूम किया है उसको सेल कर सकता है, उसको सेल कर सकता है। तो यहाँ पे संस्था बी क्या करेगी, ये संस्था ए के एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट को परचेज कर लेगी, राइट। तो ये परचेस कर लेगी, तो यहाँ पे उसको जो उसने 2 मेगावाट एक्स्ट्रा पे किए हैं ना, तो उसका जो चार्ज लगेगा उससे बहुत कम पैसा लगेगा उसको परचेस करने में। तो इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रेडिंग, राइट।
ओके, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो 2001 है, जो अभी इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, उसके अंडर में एनर्जी ट्रेडिंग होता है। ओके, अभी ये जो नया बिल पास करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया है, उसके अंदर प्रपोज्ड चेंजेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं, बराबर। तो इसमें प्रपोज चेंजेस वो है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जो मैंने बात की कि एनर्जी ट्रेडिंग सर्टिफिकेट तो मिल रहा है, एनर्जी ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग, सॉरी, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट तो मिल रहा है, लेकिन ये एनर्जी कौन सी आपने सेव की, राइट, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कोई भी एनर्जी हो, चाहे फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या तो फिर ट्रेडिशनल एनर्जी हो, लेकिन कोई भी एनर्जी आपने सेव की है तो इसके लिए आपने एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट आपको दिया गया। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, ये संस्था ने 8 मेगावाट कंज्यूम किया था, जो दूसरी संस्था थी उसने 12 मेगावाट कंज्यूम किया था, तो ये 8 मेगावाट में से अगर कुछ लिमिटेशन से ज़्यादा, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड से ज़्यादा, अगर ये संस्था ए है, उसने ये 8 मेगावाट एनर्जी कंज्यूम किया, उसमें से कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड से ज़्यादा अगर उसने वो जो एनर्जी कंज्यूम की है, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा प्रोड्यूस हुई है, राइट, तो उसको एक कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट भी मिला जाएगा। कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 8 मेगावाट आपको कंज्यूम किया है ना आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वैसे उसका टारगेट क्या था, गवर्नमेंट ने उसको अलोकेट कितना किया था, 10 मेगावाट। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 10 मेगावाट में से है ना तुमको मिनिमम 2 मेगावाट तो रिन्यूएबल एनर्जी से ही प्रोड्यूस करना है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज़ करना है। तो ये संस्था ने एक्चुअली 8 मेगावाट मतलब अलोटेड किया था पावर, उससे तो कम कंज्यूम किया, और उसके अलावा उसने 2 मेगावाट से ज़्यादा, मतलब 3 मेगावाट या 8 में से 3 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी वाला पावर यूज़ किया, तो उसको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट के अलावा और कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा? कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि उसने कौन सा यूज़ किया है, रिन्यूएबल एनर्जी का, इसके लिए उसको कार्बन क्रेडिट, कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अभी ये रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ को इंकरेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक नया बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है। तो आपको आई थिंक इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। चलो अभी हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि कॉल फॉर द एप्लीकेशंस फॉर द अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ये दोनों के लिए अभी एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जा रहा है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अभी ये न्यूज़ क्या है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ये व्हाट इज़ द कॉल फॉर द एप्लीकेशंस, इसका मतलब क्या होगा? द कॉल फॉर द एप्लीकेशन इज़ अ स्टेप टू एक्सपांड द करंट इकोसिस्टम ऑफ द इनक्यूबेटर्स एंड टू प्रोवाइड देम विद द एक्सेस टू द ग्लोबल बेंचमार्क एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये कॉल फॉर द एप्लीकेशंस क्या है और कॉल फॉर द एप्लीकेशंस किसके लिए यहाँ पे इन्वाइट की गई है? अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। सबसे पहले तो ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर क्या है और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर क्या है उसको समझते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिकली कॉल फॉर एप्लीकेशंस के बारे में पता चल जाएगा। देखो फ्रेंड्स, कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग टू फोस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर स्पिरिट वाइल क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप्स एंड इंटरप्रीनर्स इन इंडिया। यहाँ पे जो इंटरप्रीनर बनना चाहता है, जो स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, जिसके पास इनोवेशन है, तो उस इनोवेशन को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है अटल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर, बराबर ना। और ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। और वो कौन से ये मिशन कौन से संस्था के अंदर में इम्प्लीमेंट हो रहा है? नीति आयोग के अंदर। ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर ग्रांट दी जाती है अगर कोई संस्था अटल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर, अभी देखो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जो एक स्टार्टअप बनाना चाहता है और उसके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, राइट, तो यहाँ पे ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर उसको टेक्निकल सपोर्ट, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, राइट, उसको ट्रेनिंग मिलती है ताकि वो अपने आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सके, बराबर ना। तो इच अटल इंक्यूबेशन सेंटर इज सपोर्टेड विद द ग्रांट ऑफ अप टू ₹10 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पे अलग अलग जगह पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पे ऐसे कोई स्टार्टअप्स वाले जो जिसके पास आइडिया हो लेकिन उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पे यहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिल जाती है, राइट। तो हर एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर को अभी 10 करोड़ तक की ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा 5 साल के लिए।
2016 से अटल इनोवेशन मिशन हैज़ एस्टैब्लिश 68 अटल इंक्यूबेशन सेंटर अक्रॉस द 18 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरेटरीज विच हैव सपोर्टेड मोर देन 2700 स्टार्टअप्स। अभी तक 2016 से लेकर अभी तक 68 अटल इंक्यूबेशन सेंटर अभी तक देश के अंदर एस्टैब्लिश किए गए हैं और उस अटल इंक्यूबेशन सेंटर ने अभी तक 2700 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है, राइट। और हर एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर को कितना पैसा दिया जाता है ग्रांट के तौर के ऊपर? 10 करोड़ रुपये, राइट। और एक दूसरी तरफ ये अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर क्या है? अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कि यहाँ पे ये सेम अटल इंक्यूबेशन सेंटर की तरह ही है कि जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कौन से स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा? कि जो स्टार्टअप के पास ऐसा इनोवेशन होगा कि जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एरिया के लिए काम में हो आएगा, उनको आगे बढ़ाने में काम में आएगा। अगर उस एरिया के उस रीजन के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आपको इस सेंटर के अंदर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। और इच अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को कितना ग्रांट दिया गया है? 2.5 करोड़ का 5 साल के लिए। और टोटल 14 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है अक्रॉस द कंट्री जो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं? अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। तो ये जो अभी रिसेंटली कॉल फॉर द एप्लीकेशंस फॉर द अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल इनोवेशन कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ये जो न्यूज़ है ये क्या बोलना चाहता है कि नीति आयोग अभी इनवाइट कर रहा है कि जो भी लोग ये ऐसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर के अंडर में जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जिसके पास आइडिया है वो अपने प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अभी वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है उद्यम पोर्टल के ऊपर, उद्यम पोर्टल। ओके, तो ये उद्यम पोर्टल अभी न्यूज़ में क्यों है उसके बारे में बात करते हैं कि अराउंड 1 करोड़ MSME हैव रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल विथ इन द स्पान ऑफ द 25 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। जो MSME मिनिस्ट्री है अभी उसने क्या बोला कि 25 महीने के अंदर, जब ये उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया था, ये 25 महीने के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा MSMEs इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हो चुकी है, राइट। ओके, अभी ये उद्यम पोर्टल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कब लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था, राइट। इट इज़ एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर रजिस्टरिंग द MSMEs विच इज़ लॉन्च बाय द यूनियन MSME मिनिस्ट्री। यहाँ पे जो भी कोई MSME नई एस्टेब्लिश होती है उसको ऑनलाइन ही अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है इस पोर्टल के ऊपर। फर्दर इट इज़ लिंक टू द डेटाबेस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस नेटवर्क, बराबर ना। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करवाया हुआ है उद्यम पोर्टल के ऊपर, बराबर ना, तो ये जो आपका जो आप आपके जो टैक्सीज है, बराबर, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, राइट। फिर आप जो GST है वगैरह, जो आपका GST नंबर है वगैरह, वो आप ऑनलाइन हाँ उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। ये सब उसके डेटाबेस ये यहाँ पे ये उद्यम पोर्टल के साथ लिंक किए गए हैं, राइट। ये सब फुल्ली ऑनलाइन, डस नॉट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंटेशन एंड इज अ स्टेप टुवर्ड्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द MSMEs, राइट। तो ये पोर्टल है पूरा ऑनलाइन है, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो इसके लिए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहा है MSMEs के लिए, बराबर ना। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इस पोर्टल का? तो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आर एसेंशियल फॉर द MSMEs टू यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ द स्कीम्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द MSME एंड द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फ्रॉम द बैंक्स। अगर आपको पता हो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स है कि जिसको RBI के द्वारा ऐसा बोला गया है कि फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की लोन देता है बैंक पूरे साल के अंदर, तो उसमें से 40% ये प्रायोरिटी सेक्टर्स को ही देना है, प्रायोरिटी सेक्टर को ही देना है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर एक और एक सेक्टर भी है MSME सेक्टर, राइट। तो ये MSME, आप अगर आपकी इंडस्ट्री MSME के अंडर में आती है तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लोन कब मिलेगी? जब आप इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होगे तब। उसके अलावा जो MSME मिनिस्ट्री के जो भी स्कीम्स जो आती हैं उसका बेनिफिट कब उठा पाओगे? जब आप इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होगे तब, राइट। तो अगर मैं नई इनिशिएटिव्स की अगर बात करूँ तो MSME मिनिस्ट्री साइन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन फॉर द शेयरिंग ऑफ द उद्यम डेटा। जो MSME का जो उद्यम डेटा है,
राइट, वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के पास भी और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के पास भी अवेलेबल है, राइट। उसके अलावा डिजी लॉकर फैसिलिटी भी उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक की गई है, बराबर ना, कि आप जो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपने करवाया उसका जो सर्टिफिकेट मिला तो आप डिजी लॉकर के अंदर आप सेव कर सकते हो और वो सभी जगह पे वैलिड होगा, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में। अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है कि सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट नालाथम्बी कलाईसेल्वी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राइट। CSIR काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? नालाथम्बी कलाईसेल्वी, जो एक सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट है, बराबर ना, उसको अभी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनाया गया है CSIR का। कलाईसेल्वीज रिसर्च वर्क ऑफ मोर देन 25 ईयर इज प्राइमरली फोकस ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल पावर सिस्टम्स एंड इन पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इवोल्यूशन ऑफ इन हाउस प्रीपेड इलेक्ट्रोड मटेरियल्स फॉर देयर सुटेबिलिटी इन द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस असेंबली। मतलब मेनली ये जो कलाईसेल्वी है, जो पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है, उनका जो मेन फोकस है रिसर्च का वो इलेक्ट्रोड के ऊपर रहा है, राइट। कलाईसेल्वी ऑल्सो मेड की कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल मिशन फॉर द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये मिशन के अंदर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। एंड शी हैज़ मोर देन 125 रिसर्च पेपर्स एंड 6 पैटेंट्स टू हर क्रेडिट, बराबर ना, उनके नाम के ऊपर 125 रिसर्च पेपर्स हैं और 6 पैटेंट्स हैं उनके ऊपर, उनके नाम के ऊपर, राइट। तो इतनी ख़तरनाक पर्सनालिटी है जो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है CSIR की। अगर मैं CSIR की बात करूँ तो CSIR इज़ द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया। CSIR हैज़ अ पान इंडिया प्रेजेंस एंड हैज़ अ डायनेमिक नेटवर्क ऑफ द 37 नेशनल लेबोरेटरीज, 39 आउटरीच सेंटर्स, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड 5 यूनिट्स। CSIR इज़ फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट ऑपरेट एज एन ऑटोनोमस बॉडी थ्रू द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है वो किसके द्वारा उसको फंडिंग मिलती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बजट में जितना पैसा मिलता है उसमें से CSIR को फंडिंग दी जाती है। और उसके अलावा CSIR कौन से एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में, राइट। अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो CSIR कवर्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द स्ट्रीम्स फ्रॉम रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, ओशनोग्राफी, जियो फिजिक्स, केमिकल्स, ड्रग्स, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी टू द माइनिंग, एरोनॉटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सभी सेक्टर्स के ऊपर CSIR रिसर्च करता है, राइट। इट प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन मेनी एरिया विथ रिगार्ड टू द सोशल सोसाइटिकल एफर्ट्स विच इंक्लूड द एनवायरमेंट, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, हाउसिंग, एनर्जी, फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर। तो ये एक टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन भी करता है। अगर कोई भी सेक्टर के अंदर आपको उसका मतलब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन चाहिए तो वो ये प्रोवाइड करता है, राइट। CSIR को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1942 के अंदर। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं CSIR की एक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो फॉर एग्जांपल अभी मोदी जी हैं तो उसके प्रेसिडेंट हैं। उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। गवर्निंग बॉडी की अगर बात करूँ तो डायरेक्टर जनरल इज़ द हेड ऑफ द गवर्निंग बॉडी जो अभी अपॉइंट किए गए हैं। द अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर इज़ अ फाइनेंस सेक्रेटरी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी जो एक्सपेंडिचर विभाग के जो होते हैं वो होते हैं उसके मेंबर। और अदर मेंबर्स टर्म्स आर ऑफ द 3 ईयर्स, बराबर ना। यहाँ भी जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तब तक मोदी जी उसके प्रेसिडेंट रहेंगे, जब तक मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेंगे तब तक वो उसके वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, ऐसा होता है, राइट। और बाकी जो मेंबर्स है उसकी टर्म कितनी होती है? 3 साल की, बराबर ना। अगर मैं बात करूँ कि जो CSIR ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कौन सा अवार्ड एसोसिएटेड है, तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नेम्ड आफ्टर द फाउंडर, जो फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं CSIR के, लेट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। उनके नाम के पीछे ये अवार्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ये कौन से फील्ड से रिलेटेड प्राइज है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो CSIR के जो फाउंडर डायरेक्टर थे शांति स्वरूप भटनागर, उनकी याद के ऊपर ये अवार्ड दिया जाता है, राइट।
और ये 1957 के अंदर ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था, द मोस्ट कोवेटेड एंड द रिवॉर्ड प्राइज इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि तेजस जेट्स फॉर द डिलीवरी। अभी न्यूज़ क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर किया है टू सेल 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस टू द मलेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, यूएस, इंडोनेशिया एंड द फिलीपींस वे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द सिंगल इंजन जेट। बराबर ना, तो ये तेजस जेट की अभी डिमांड बढ़ रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर किया है 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस जेट का दूसरा नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो किसको ऑफर किया गया है, मलेशिया को, और ये जो बाकी की कंट्रीज़ ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। द इंडियन गवर्नमेंट गेव अ $6 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू द स्टेट ऑन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन 2021 फॉर 83 ऑफ द लोकली प्रोड्यूस तेजस जेट्स फॉर द डिलीवरी स्टार्टिंग अराउंड द 2023। इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 83 तेजस को बनाने का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है, राइट, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को 2023 के अंदर ये तेजस जेट्स की डिलीवरी अदर कंट्रीज़ के अंदर करनी है, राइट। तो और ये कितना ऑर्डर मिला है हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, $6 बिलियन का। ओके, अगर मैं तेजस की बात करूँ कि तेजस एयरक्राफ्ट की क्वालिटीज़ क्या है, द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1984 वेन दे एस्टेब्लिश द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी टू मैनेज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, राइट। इट रिप्लेस द एजिंग MiG-21 फाइटर प्लेन्स। बराबर ना, ये जो तेजस है ना उसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बोला जाता है क्योंकि उसका वेट बहुत ही कम है। अगर मैं कंपेयर करूँ MiG-21 जो उसके सिमिलर कैपेबिलिटी वाला था तो उससे बहुत ही कम वेट वाला है ये। तो इसके लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1984 के अंदर, जब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एस्टैब्लिश की गई थी बराबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, तब ये प्रोग्राम के अंदर में तेजस एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है। ओके, ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है, लेकिन उसको डिज़ाइन कौन कर रहा है, ये डिज़ाइन किसने की है, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बराबर ना, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में एक डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट के अंदर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, उसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, राइट। उसके फीचर की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड टेलेस मस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लास। सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, बराबर ना, डिजाइन टू कैरी रेंज ऑफ द एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसियन गाइडेड, राइट ना, वेपन्स, ये सभी चीज़ें वो कैरी करने की क्षमता रखता है। एयर टू एयर रीफिलिंग कैपेबिलिटी भी उसकी है, बराबर ना। मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी कितनी उसकी, 4000 kg, और उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी, 1.8 मार्च, बराबर ना। द रेंज ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 3000 किलोमीटर, बराबर ना, उसकी रेंज है 3000 किलोमीटर तक वो एक ही बार में वो ट्रैवल कर सकता है। ओके, अगर मैं तेजस के वेरिएंट्स की बात करूँ तो सबसे पहला वेरिएंट आया था तेजस ट्रेनर, बराबर ना, फिर टू सीटर ऑपरेशनल कन्वर्जन ट्रेनर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द एयरफोर्स पायलट, बराबर ना, फिर LCA नेवी का वर्जन आया, ट्विन एंड सिंगल सीट कैरियर कैपेबल फॉर द इंडियन नेवी, फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस नेवी MK-2, दिस इज़ फेज टू ऑफ द LCA नेवी वेरियंट, और फिर आया LCA तेजस MK-1A, इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द LCA तेजस MK-1 विद अ हायर थ्रस्ट इंजिन, बराबर ना। तो ये कुछ तेजस के वेरिएंट्स है, बराबर ना। तो आप आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया है ये तेजस, ये न्यूज़ में क्यों है तेजस एयरक्राफ्ट, क्योंकि अभी उसको मलेशिया को देने की बात चल रही है। ओके फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, इंडिया सोलर पावर ड्रीम। अभी न्यूज़ में क्यों है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है टू एक्सपांड द इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू 500 GW बाई 2030। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे टारगेट को सेट किया है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा भी बोला है कि वो कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन से कम करेंगे, कब तक, 2030 तक। उसके अलावा जो कार्बन इंटेंसिटी है नेशन की इकोनॉमी के अंदर वो कम करेंगे 45% से 2030 तक, और उसके अलावा नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कब तक प्रोड्यूस करेंगे, 2070 तक। ये सब गवर्नमेंट ने कब बोला, तो अभी रिसेंटली COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुआ था, कहाँ पे,
ग्लेसगो यूके के अंदर, ग्लेसगो यूके के अंदर। और ये ग्लेसगो यूके के अंदर ये जो COP26 हुआ था ना, तब गवर्नमेंट के द्वारा हमारे कुछ पहले लिए गए टारगेट्स को मॉडिफाइड किया गया है। सबसे पहले ये टारगेट COP21 में लिया था, COP21 जो 2015 के अंदर पेरिस के अंदर हुआ था। और यहाँ पे जो टारगेट सेट किए गए हैं सभी टारगेट को पेरिस एग्रीमेंट बोला गया है, राइट। पेरिस एग्रीमेंट, जब भी कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बात होगी तो पेरिस एग्रीमेंट की बात होगी, क्योंकि COP21 जो पेरिस में हुआ था वहाँ पे सभी टारगेट को सेट किया गया है। और यहाँ पे कुछ टारगेट को हमने मॉडिफाइड किया है इस साल, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है। ओके, तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, अभी की सिचुएशन क्या है। तो अभी हमारी टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, 151.4 गीगावाट। अगर ये बात करूँ तो विंड पावर की 40 गीगावाट के आसपास है, सोलर पावर की 50 गीगावाट, बायो पावर की 10 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर की 4.83 गीगावाट और लार्ज हाइड्रो पावर की अराउंड 46.5 गीगावाट। मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सोलर पावर का, राइट। तो अगर मैं प्रेजेंट सोलर पावर कैपेसिटी की बात करूँ तो इंडिया के अंदर अभी 45 सोलर पार्क्स ऑफ द एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ द 37 गीगावाट हैव बीन अप्रूव्ड इन इंडिया, राइट। कि 37 गीगावाट की कैपेसिटी वाले टोटल 45 सोलर पार्क्स अभी तक अप्रूव हो चुके हैं। सोलर पार्क्स इन द पावागढ़ 2 गीगावाट, बराबर, कर्नूल 1 गीगावाट एंड भडला 2 648 मेगावाट आर इंक्लूड इन द टॉप 5 ऑपरेशनल सोलर पार्क्स ऑफ द 7 गीगावाट कैपेसिटी इन द कंट्री। 37 गीगावाट का अप्रूवमेंट हो गया, उसमें से अभी 7 गीगावाट का सोलर पार्क्स अभी ऑपरेशनल है, राइट। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑफ 30 गीगावाट कैपेसिटी सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट इज अंडर द इंस्टॉलेशन इन गुजरात। गुजरात के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनने जा रहा है, 30 गीगावाट कैपेसिटी वाला जो सोलर और विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट होगा, बराबर ना, कहाँ पे, गुजरात के अंदर। अगर मैं इस सोलर पावर के अंदर जो अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ कि हम क्यों सोलर पावर की कैपेसिटी इतनी जल्दी नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता होगा कि सोलर पावर के अंदर जो सबसे मेन जो होती है, बराबर ना, वो चीज़ क्या होती है, उसका जो पीवी मॉड्यूल्स है, जो पीवी सेल्स है, जो हम हाँ इंपोर्ट करवाते हैं, मेजरली उसको इंपोर्ट करवाते हैं, तो हम उसके ऊपर मतलब हैवीली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट, बराबर ना। फिर रॉ मटेरियल सप्लाई, क्योंकि अभी कोविड की वजह से, बराबर ना, जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग सेल जो है, जो सोलर पावर के लिए, सोलर प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, तो ये जो कोविड के लॉकडाउन के चक्कर में इसका जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है वो बहुत ही कम हो गया था, राइट। तो गवर्नमेंट ने इस सोलर पावर को इंकरेज करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में बात करें, तो गवर्नमेंट ने सोलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को PLI स्कीम के अंदर में डाल दिया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, किसका प्रोडक्शन, तो ये PV मॉड्यूल्स का, जो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, तो अगर हम डोमेस्टिकली उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, राइट, तो उस जो प्रोडक्शन करने वाले को यहाँ पे एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, राइट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दूसरा जो कंपोनेंट है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ सब्सिडी स्कीम है सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए, PM कुसुम स्कीम है, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है। इस स्कीम के अंदर में आपको बेनिफिट कब मिलेगा कि जब आपने ये सोलर वाटर हीटर फॉर एग्जांपल आपने बनाया है, तो ये सोलर वाटर हीटर के अंदर जो आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया है, ये जो रॉ मटेरियल के अंदर मेनली जो ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स जो आपने यूज़ किया है, अगर वो सोलर पीवी मॉड्यूल्स डोमेस्टिक संस्था के द्वारा बनाए हुआ आपने यूज़ किया है, तो ही तभी आपको इसके अंदर सब्सिडी मिलेगी। अगर आपने इम्पोर्ट करवाया हुआ यूज़ किया है, तभी आपको PM कुसुम के अंदर में सब्सिडी नहीं मिलेगी, बराबर ना। ओके, फर्दर द गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी टू प्रोक्यूर द मॉड्यूल्स ओनली फ्रॉम द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट आर कनेक्टेड टू द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रिड। कि जो प्रोजेक्ट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो हमारे द्वारा लिस्ट आपको दी गई है, वही मैन्युफैक्चर के पास से आपको ये चीज़ें खरीदनी है, राइट। ओके, उसके अलावा इम्पोजिशन ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ द सोलर PV सेल्स एंड मॉड्यूल्स, बराबर ना। अभी देखो, हम 80% से ज़्यादा ये सोलर PV सेल्स और मॉड्यूल जो सोलर पावर प्लांट के लिए सबसे बड़ा सोर्स है, वो 80% से ज़्यादा हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई हम 80% से ज़्यादा रातों रात डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर लें।
तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही है राइट, लेकिन उसके अलावा हम इंपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि सोलर पावर प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राइट। तो इसके लिए ये जो इंपोर्ट करवा रहे हैं जो सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स, तो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है ना, कोई भी चीज़ अगर आप इंपोर्ट करवाओगे तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, लेकिन अगर आप सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स इंपोर्ट करवा रहे हो तो आपके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, मतलब कुछ डिस्काउंट दिया जाता है आपको राइट। उसके अलावा मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, बराबर ना, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम क्या है? इट इज अ स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द स्कीम मेजरली प्रोवाइड्स अ सब्सिडी फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द पीवी सेल्स एंड मॉड्यूल्स, 20% फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड 25% इन द नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे इस स्कीम के अंदर क्या मिलता है कि अगर आप सोलर पीवी मॉड्यूल्स का प्लान एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसमें आपको 20% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप प्लांट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बना रहे हो, अगर आप प्लांट नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बना रहे हो तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ओके, तो आई थिंक आपको आज की सभी न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।